नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड बी फार्मा सेवन सेमेस्टर, इसकी सेकेंड यूनिट चल रही थी दोस्तों। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी हमने, अगर उसके वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सेकेंड यूनिट भी कम्प्लीट होने वाली है, इसका आज लास्ट टॉपिक है दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। ये लास्ट टॉपिक दे रखा है हमारे बी फार्मा सेवन सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी के सिलेबस में। दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बी फार्मा सेवन सेमेस्टर के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, मतलब उनके एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो आप स्टडी अपनी रेगुलर रखिए, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जल्दी आपको कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट, फाइव पार्ट, फोर पार्ट अपन देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब अपन इतने दिन से ये पढ़ रहे थे कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं इंडिया में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती हैं। लेकिन अब यह है कि जो टेक्नोलॉजी अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं R&D में, उसका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको प्रोडक्शन करके उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन तो ज़रूरी होगी। क्योंकि यह नहीं कि अपन कोई सामान या फिर प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो यह नहीं है कि अभी इसको ऐसे ही किसी को दे देंगे, अपने पास तो कोई प्रूफ ही नहीं होगा कि हमने इसको एक प्रोडक्ट दिया, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी। तो वही है इस टॉपिक के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके अंदर वो इंक्लूड किए गए हैं। द डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर ट्रांसफर प्रोजेक्ट आर ब्रॉडली रेंजिंग, द ऑल द स्टेप इन्वॉल्विंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आर नीडेड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब जो भी स्टेप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर फॉलो की गई हैं तो उनको सभी को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाएगा। सम ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएट टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज फॉलो, कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम अपने सिलेबस में, ये दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन ये अपन डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर क्या होगा कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो भी रिपोर्ट्स हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसको रिपोर्ट को अपन डॉक्यूमेंट करेंगे। इसके अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट इसके द्वारा बनाया जाएगा। सेकंड है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लान, मतलब जो भी प्लान है क्या क्या इसके अंदर यूज होगा सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। इट डिफाइन द आइटम एंड कंटेंट टेक्नोलॉजी टू बी ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंटेड, मतलब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है उसमें जो भी कंटेंट आइटम वगैरह यूज किए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, बोथ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरिंग पार्टी शुड मैच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिपोर्ट। मतलब एक तो सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, मतलब सेंडर को भी उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और रिसीवर को भी तैयार करनी है कि मेरे पास कैसा प्रोडक्ट आया है, और सेंडर ये तैयार करेगा कि मैंने ऐसा प्रोडक्ट सेंड किया है, तो ये रिपोर्ट हो गई। एग्जिबिट बैच, इसके अंदर क्या होता है, दीज बैच आर मैन्युफैक्चर आफ्टर टेकिंग स्केल अप एंड बैच ऑफ प्रोडक्ट, मतलब स्केल अप टेक्निक के बाद जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाते हैं उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब फाइव है कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट क्या होता है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, मतलब इसको पब्लिक को पब्लिश नहीं किया जाता है, बता नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल डाटा इज नॉट प्रेजेंट इन द पब्लिक डोमेन। एग्जाम्पल जैसे इट इंक्लूड ए कंपाउंड टारगेट स्मार्ट मॉलिक्यूल प्रोटीन जेनेटिक स्ट्रक्चर जीन सीक्वेंस एंड क्रिएशन एंड इन्वेंशन, मतलब ऐसा कोई, मतलब मैंने कोई इन्वेंशन किया है, मैंने आइडेंटिफाई किया जीन जेनेटिक स्ट्रक्चर को, तो मैं इसको पब्लिक को नहीं बताऊंगा, अपने ये सीक्रेट रहेगा कि मैंने ये आइडेंटिफाई किया, मेरा इन्वेंशन और क्रिएशन हो गया इसका। जैसे पेटेंट के लिए करते हैं कि मैंने कोई चीज़ आइडेंटिफाई किया, डेवलप किया, तो उसका मुझे पेटेंट मिलेगा, अगर किसी और को पता चल गया तो वो पहले पेटेंट करवा सकते हैं, तो इसलिए इसको सीक्रेट रखा जाता है। ये टू टाइप के होते हैं, वन वे एंड टू वे एग्रीमेंट एंड कॉन्फिडेंशियली डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वन वे में क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो रिसीवर को सेंड करता है ओनली,
और इसमें टू वे में हो गया कि सेंडर भी रिसीवर को सेंड करेगा और रिसीवर सेंडर को, मतलब एक दूसरे के बीच ये ट्रांसफर होगी। तो ये हो गया है कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसके बाद सिक्स है लाइसेंसिंग। देखो कोई भी अपन अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल एजेंसी लगाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगाते हैं, फिर कोई भी देख लो तो उसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि अपन जो भी वर्क कर रहे हैं वो लीगली कर रहे हैं, उसके लिए आइडेंटिफाई करता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्रीमेंट कॉल्ड लाइसेंस इज रिलेटेड टू द एप्लीकेबल रूल ऑफ कंसर्न लीगल सिस्टम, यूजुअली टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कंसर्न। मतलब कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका खुद का इनोवेशन होता है, तो उनके पास पेटेंट होता है, पेटेंट भी लाइसेंस की तरह वर्क करता है। सेवन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि यूजुअली द फर्स्ट फेज इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये एक फर्स्ट फेज होती है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के इंफॉर्मेशन की। लास्ट है लीगल इशू, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का और हमारी आज के लेक्चर का। द लीगल एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैज ड्यूअल कैरेक्टर, ये ड्यूअल कैरेक्टर रखता है। जनरली सच एज एग्रीमेंट इज एन कॉन्ट्रैक्ट रूल बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों ये हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको कंप्लीट यूनिट समझ में आई होगी, और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे अपन थर्ड यूनिट। धन्यवाद दोस्तों।